जी हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर शीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक खबर आई है, एक स्टोरी है गार्डियन की, अखबार की, जो कि जारी बात है बरतानवी अखबार है। और बात ये की जा रही है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में इन्वॉल्व है। कोई भी पाकिस्तान की बात नहीं मानता। पाकिस्तान ने बड़ा शोर डाला, पाकिस्तान ने बड़ा कहा। मैं भी इस पे बात कर रहा हूँ कि इंडियन जो डीप स्टेट है, ठीक है, आई थिंक ये उनकी आप देखें, उनका हौसला देखें कि वो किस तरह दे आर ट्रैकिंग पीपल, दोज हु हैव बिन इन्वॉल्व इन वन वे और दी अदर इन कश्मीर के जो जहाद में इन्वॉल्व थे, वो उनको चुन चुन के पूरे पाकिस्तान से मारते हैं और यहाँ पे कोई बोलता नहीं। जब शोर पड़ता है मीडिया का, अवाम बोलती है थोड़ा बहुत तो पता चलता है, वरना उनको तो पता ही नहीं चलता। और ये कहा जा रहा है कि एक जो जो इंडियन डीप स्टेट है, डेफिनेटली उसके कुछ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं। एक वाइडर स्ट्रैटेजी है कि दहशतगर्दों को ख़त्म करना है, लिविंग ऑन फॉरेन सॉइल, ऐसे दहशतगर्द जो दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं। और ये जो गार्डियन की रिपोर्ट है, ये कहती है कि हमने इंडियन एंड पाकिस्तानी इंटेलिजेंस दोनों से बात की है। सो वो ये पाकिस्तान की स्टोरी नहीं बता रहे, वो इंडियन स्टोरी भी बता रहे हैं कि इंडियन इंटेलिजेंस के लोगों ने भी उनको बताया। और बहुत सारे जो जिसे वो कहते हैं ना कि जो इंडियन की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो कैसे ये असैसिनेशन अटैम्प्ट कर रही है, और पर्टिकुलरली 2009 के बाद। और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस सेंस में है, गो के बहुत सारे इंडियंस नहीं मानते इसको। फॉर एग्जांपल, मैं देख रहा था कि इंडिया के कई लोग कह रहे हैं भाई ये क्या है, आपका जब दिल करता है इल्ज़ाम लगा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। लेकिन क्योंकि आपको याद होगा, थोड़ा अर्सा पहले पाकिस्तान की जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था हमारे सामने एक पैटर्न आया कि इंडियन असैसिनेशन जो प्लॉट्स हैं, जो वो हुए हैं, क्रेडिबल एविडेंस है हमारे पास। एक क्रेडिबल एविडेंस तो उनके पास थी ना, जस्टिन ट्रूडो के पास, लेकिन ये पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी जो साइरस सज्जाद काजी हैं, उन्होंने ये बात की। अब ये जारी बात है, मैं तो इसको लार्जली इस सेंस में देखता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर घुस के मारना और ये कहना, ये समझे कि 20 से ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं 2000 से, 2020 से ऑनवर्ड 20 से ज़्यादा। सो आप उनका नेटवर्क देखें, उनकी पेनिट्रेशन देखें, डीप स्टेट की नेटवर्क एंड पेनिट्रेशन देखें कि कितनी ज़्यादा सिस्टम के अंदर है, पाकिस्तानियों के अंदर। और पाकिस्तानियों को देखें कि जो चंद हज़ार रुपये के ऊपर या लाख रुपये के ऊपर मान जाते हैं, चंद हज़ार लाख रुपये के अंदर मान जाते हैं, और इसके जो स्लीपर सेल्स हैं बहुत सारे, वो यूएई में बेस्ड हैं, और गरीब पाकिस्तानी, उनको फोन आता है मिडल ईस्ट से, यूरोप से, किसी नेटवर्क से, भाई तुम्हें बंदा देते हैं, तुम उस बंदे को मार दो। वो कहता है ठीक है भैया, 50,000 रुपया दे दो, हम पाकिस्तान में उस फलां बंदे को मार देंगे। ये तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों को ये तो औकात बना दिया है हमारे लीडरशिप ने कि यहाँ पे लोगों को नेशनलिज्म, कौमियत, पाकिस्तान, अवाम भूल गया हुआ है। 50,000 रुपया दो, बंदा मार लो पाकिस्तान में। मतलब इतनी कम जो आपने वैल्यू कर दी है पाकिस्तानियों की, इतनी कम वैल्यू कर दी है कि ये जो 20 लोग मारे हैं 2020 से, कोई है जो माई का लाल पूछ सके किसी से? कोई भी नहीं। इंडियंस को परवाह कोई नहीं है, पाकिस्तान इंडिया को कह ही कुछ नहीं सकता, वो आपसे बात ही नहीं करना चाहते। और वो कहते हैं भाई ये दहशतगर्द है, इनको हम मारते हैं, ये दहशतगर्द मार रहे हैं। मतलब जस्टिफिकेशन जो वो दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं। और ये इसमें जारी बात है यूएई का बड़ा किरदार है। यूएई का इसलिए किरदार है कि वहाँ आपको बहुत सारे पाकिस्तानी मिल जाएंगे और वहाँ से बहुत सारे नेटवर्क हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं। जारी बात है बड़ा सिटी है दुबई, अबू धाबी, ये वो आगे पीछे, और भी बहुत सारे, सिर्फ ये नहीं, यूरोप में भी देख लें, ऐसे कई पाकिस्तानी भी थे जो जिनको यूरोप से मरवाया गया है, वो इंडिया उसमें इन्वॉल्व नहीं था उसमें, और बहुत सारे लोग थे। और वो क्या करते हैं कि उन्होंने अपने नेटवर्क अंदर बना लिया है,
देखिए डिस्पाइट एक चीज ये होती है, देखिए इंडिया को बड़ा जबरदस्त एक चीज मिली है, वो क्या, सस्ता काम ना, अपने बंदे भेजो, क्योंकि कुलभूषण यादव के इश्यू के बाद जारी बात है अगर आपका सिटीजन पकड़ा जाए तो एक प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने कहा देखो गुर्बत का फायदा उठाओ पाकिस्तान की, उस गुर्बत का फायदा उठाओ, वहाँ पे बंदे को रिक्रूट करो बंदे को, और वो कहीं वो बंदे को बताओ कि भाई ये उसके पीछे जो जिसने ऑर्डर दिया है हो सकता है उसको पता ना हो कि वो इंडिया से कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जिस बंदे को लाहौर में इस्लामाबाद में कराची में ऑर्डर मिल रहा है वो तो बस ठीक है, कहता है मैं जाऊँगा उस शहर में जाऊँगा, वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा है बंदा, उसको शूट करूँगा, ठीक है ये इतने पैसे मेरे लगेंगे आने के, इतने पैसे लगेंगे जाने के, वहाँ मैं उसकी रैकी करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा और मैं करके वापस आ जाऊँगा। अब इंडिया का जो कई एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग जो हैं ये गटर जर्नलिज्म कर रहे हैं, बरतानवी जो मीडिया हाउसेज हैं और ये जो लेफ्टिस्ट हैं ये मिल गए हैं पाकिस्तान के साथ, मतलब दिस इज सॉर्ट ऑफ पर्सपेक्टिव वो दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें इंतहाई कमज़ोरी है पाकिस्तान की, इतने पाकिस्तानी मारे जाएं और पाकिस्तान बोल भी ना सके, वो तो जब पब्लिक में शोर मचा तो तब ये पाकिस्तानी बोले, और उससे भी शर्मिंदगी और घटाई की बात ये है कि गुर्बत इतनी है कि आप 50,000 लाख 2 लाख में, कराची में तो आप 5-10,000 रुपये में बंदा मार लेते हैं, 10,000 रुपये में कराची के अंदर, आप जाके पूछें कराची के अंदर क्या ऐसे नहीं हुआ कि 10,000 में लोग नहीं मारे गए, ठीक है। और सुनने में ही आता है कि इंडिया की जो ये गार्डियन अखबार कह रहा है, मेरी ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये गार्डियन अखबार ये कह रहा है कि जो इंडियन इंटेलिजेंस के लोग हैं वो ये कहते हैं कि बेसिकली जो व्हाई दे गॉट इंस्पायर्ड दिस मेथोडोलॉजी से, क्यों इंस्पायर हुए हैं, वो कहते हैं इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, रशिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है KGB, वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में फॉरेन सॉइल में इन्वॉल्व रही है। तो वो कह रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल जो सऊदी जर्नलिस्ट था जमाल खशोगजी, जिसको उस वक्त इस्तंबुल के अंदर जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ पे कोई सर्टिफिकेट लेने गया, शायद वो कोई शादी वगैरह कर रहा था उस वक्त, तो वो अपने सऊदी सफारत खाने में गया और वहाँ पे उसने जाके कौंसलेट में गया और वहाँ पे जाके उसने कहा कि मैं लेने आया हूँ, उन्होंने उसको पकड़ लिया, पकड़ के उन्होंने उसको डिसमेंबर कर दिया, उसको पिघला दिया टुकड़े कर करके। 2018 में उसको कत्ल किया गया था, बड़ा बहुत बड़ा इशू बन गया था मोहम्मद बिन सलमान के लिए, एक चैलेंज बन गया, उस वक्त ट्रंप था सदर, कुछ नहीं कर सके थे, और सऊदीज ने बड़ा दिया, बाद में पता चला उन्होंने कि जी रोग एलिमेंट्स थे, एक जहाज़ उड़ा सऊदी अरब से वो इस्तंबुल गया, वहाँ पे वो डीप स्टेट के लोग थे वो उतरे, उन्होंने ऑपरेशन किया, फिर उन्होंने क्या किया कि जब वो बंदा जमाल खशोगजी था वो जब निकला वहाँ से, निकला तो नहीं सॉरी उसके मार दिया उसको, लेकिन उन्होंने उसका एक लुक लाइक उसका मिलता जुलता बंदे को वही कपड़े पे नहा के बाहर निकाल दिया और कहा जी वो तो चला गया था, बाद में जब शोर मचा सारा कुछ हुआ उन्होंने कहा जी वो तो नहीं है, वो तो ऐसे नहीं था। सो ये उन्होंने इस तरह उसके साथ हुआ, ये कहते हैं कि जी ये जो काम है ना फौरन ही एक पॉलिसी आई है, देखें इंडिया के सामने आती है, आज US स्टेट डिपार्टमेंट भी कह रहा था कि हम इंडिया को कहते हैं फुल फ्लेज इन्वेस्टिगेशन करें, इंडिया कैनेडा को तो अकड़ गया, ठीक है इस सिलसिले में भी अमेरिका को भी उन्होंने पूरा जवाब नहीं दिया, पाकिस्तान वैसे नहीं पूछ सकता, एडवर्सरी है, वो कहते हैं जाओ पा जाओ, अमेरिका को तो जवाब देना पड़ रहा है, वो स्टेट डिपार्टमेंट के मैथ्यू मिलर ने आज भी कहा है कि हम चाहते हैं फुल इन्वेस्टिगेशन हो और हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। सो इंडिया वो जो इंडियन इंटेलिजेंस के लोग हैं एज पर दिस न्यूज़पेपर जो है गार्डियन, जिसको 2-3 लोगों की स्टोरी है, ये हना एलिस पैटरसन है एक, और एक शामीर भलोच है एंड आकाश हसन है जिन्होंने ये स्टोरी की है। अब ये जो चीज़ है कि वो कहते हैं जी कि हम तो जमाल खशोगजी से मुतासर हुए कि उसको साथ जो उन्होंने किया, हमने कहा ठीक है बस अगर वो ऐसे होते तो हम भी कर सकते हैं। सो ये वहाँ पे ये फैसला किया गया कि इस मेथड को अडॉप्ट किया जाए, सऊदीज़ के लिए तो को मुश्किल में डाल दिया क्योंकि सऊदी अथॉरिटेरियन रजीम है, सऊदी के लिए तो बड़े मसले हैं,
लेकिन इंडिया को कोई नहीं पूछ सकता, लेकिन पाकिस्तान तो बिल्कुल ही नहीं पूछ सकता, क्योंकि पाकिस्तान तो इस चीज़ को छुपाता है कि इंडिया ऐसे कर सकता है। लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी, आप देखिए उन्होंने आपके सिस्टम के अंदर पेनिट्रेशन कर ली, तो सिस्टम सुता है, सिस्टम क्रिकेट खेल देगा, सिस्टम जो है वो हमारा लेटे है, सिस्टम ने पता ही नहीं की हो रहा है। सिस्टम भी जब जब दुनिया को पता चल जाता तो सिस्टम को भी पता चल जाता, अच्छा हो गया, फिर सिस्टम एक्टिव हो जाता। सो ये जो 20 लोगों का वो कह रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी तादाद है। और इससे पहले ये पाकिस्तान के जो क्या नाम है, सेक्रेटरी खारजा जो है इस वक्त सिटिंग सेक्रेटरी खारजा, ये उन्होंने भी ये स्टेटमेंट जारी की थी। स्टेटमेंट उन्होंने क्या, वो कहते हमारे पास इन्वेस्टिगेशन थी या वो पता पहले था, लेकिन बाद में हमने इसको जिसे हम कर नहीं सके। बहरहाल अब ये जो जिसे वो कहते हैं ना कि इन्फॉर्मेशन अब आई है, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन का क्या फ़ायदा? और ये जो आप समझ लें कि कितना कॉन्फिडेंस मिला होगा उनकी डीप स्टेट को कि देखो हम कितने कामयाब हैं, कि वो जितने भी दहशतगर्द हैं, बिकॉज दे कॉल देम एज टेररिस्ट, द जस्टिफिकेशन ऑफ किलिंग दीज पीपल इज़ कि दे आर टेररिस्ट, दे हैव बीन इन्वॉल्व इन इंडिया फॉर सम क्राइम, सो अब हम घुस के मारेंगे। आपको पता है ना मोदी साहब की वो जो थी स्ट्रेटजी के, घुस के मारेंगे, ठीक है जी, तो वो कह रहे हैं हम घुस के मारेंगे, और ये उसको दैट इज देयर। अब इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने इसको डिनाई कर दिया, उन्होंने कहा ऐसी कुछ चीज़ नहीं है, ये एक मलेशियस एंटी इंडिया का प्रोपेगेंडा है। जारी बात है, फॉरेन ऑफिस तो नहीं ना इन चीज़ों को स्टेटमेंट देते हैं, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी नहीं है। लेकिन इस बेशक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी नहीं है, लेकिन जो डीप स्टेट होती है वो एक और फ्रेमवर्क में ऑपरेट कर रही होती है। वो कौन सा फॉरेन ऑफिस को बताते होंगे? जो जो अमेरिका में हुआ और जो कनाडा में हुआ, क्या डॉक्टर जयशंकर को उस चीज़ का बताया गया था? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो डीप स्टेट वॉज डायरेक्टली लिंक विद दी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, और वो अप्रूवल आई, अप्रूवल पे उन्होंने ऑपरेशन करने शुरू कर दिए, देन उन्होंने अपने लोगों को कहा रिक्रूटमेंट करें, ये करें, वो करें, इस तरह की चीज़ें। सो ये चीज़ें जो हैं, जो वो कहते हैं ये कश्मीर के दहशतगर्द हैं जिनको हम मार रहे हैं, इंडिया कहता है ये कश्मीरी दहशतगर्द हैं जिनको हम मार रहे हैं। और इनमें से एक कहा जाता है कि जाहिद अखुन जो था वो भी कश्मीरी था, उसका मेरा ख्याल है जो दूसरा नाम था वो जहूर मिस्त्री था। एक एयर इंडिया फ्लाइट को उसने हाईजैक किया था, पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट उसके पास थे, और उस वक्त एक उससे रब्ता हुआ और हुआ, और उन्होंने इस बात को चला, एंड देन वो फिर एक आप ये समझें कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उन्होंने उड़ा दिए हैं। सो ये आप समझ लें कि पाकिस्तान इसको यूएई से लिंक करता है। अब यूएई के अंदर वो कहते हैं कि यहाँ पे बेस है, लेकिन क्या पाकिस्तान कभी यूएई से बात कर सकता है इस हवाले से? सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको नहीं पता यूएई से हमारे कैसे ताल्लुकात हैं? वो पाकिस्तान यही कहेगा इंटेलिजेंस हमें इन्फॉर्मेशन दें, हम इसको वेरीफाई करते हैं, हम इसको देखते हैं कि क्या कर रहे हैं, कौन कर रहा है, किधर से कर रहा है। सो ये जो चीज़ है कि जी मिलियंस ऑफ रुपीज़ दिए जाते हैं, वो भाई उनको समझ आ गई है, अपने बंदे मत भेजो, थर्ड मुल्क में बंदा हायर करो, बंदे आपके पास हैं, ये इन सब बंदों को इन्वॉल्व करो। सो वो नेपाल, मालदीव्स, मॉरिशियस, इन मुल्कों के अंदर जहाँ पे फ्रेंडली माहौल है भारत के लिए, ठीक है जी। सो मैं तो जैसे कहता हूँ कि मुझे तो मैं तो बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ इस सेंस में कि पाकिस्तान के अंदर लोग घुसते हैं, पाकिस्तानियों को मार जाते हैं और किसी को पता नहीं होता। 4,000 पाउंड में, 4,000 पाउंड में बंदा पड़का देते हैं, 15 लाख पाकिस्तानी। वो जो कहा जाता है एक बंदा था जिसका नाम था लतीफ, ठीक है जी, उसको 15 लाख रुपए में आपने कहा कि ये इस बंदे को मार, 15 लाख रुपए क्या चीज है, या 4,000 पाउंड की क्या वैल्यू है, ठीक है जी। सियालकोट में आपने उसको मार दिया,
फिर एक बशीर अहमद पीर था, वो हिजबुल मुजाहिदीन का था, ठीक है जी। सो वो कह रहे हैं कि हम अपना मिशन ठीक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम अपना मिशन ठीक कर रहे हैं, हम भारत के दुश्मनों को भारत के दुश्मन मुल्क में घुस के मार रहे हैं। दिस इज़ व्हाट वो ये दिस इज़ व्हाट द स्टोरी, ये जो गार्डियन की स्टोरी है ये वो चला रहे हैं। ये गार्डियन की स्टोरी ये कहती है कि हमने ये किया है, और पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ जो हैं इतने एक अखा बंद करके, जिस तरह नहीं वो बिल्ली जड़ी ये बेचते कबूतर अखा बंद कर लेना, ये अखा बंद कर लेना, कहते हैं सामान नहीं पता क्या, इंक्वायरी करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा, पैसे लगेंगे, ध्यान जाएगा, इधर होगा उधर होगा, ठीक है ना जी। सो वो तो मीडिया ने जब शो डाला तो फिर वो बोले उन्होंने कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रही हैं चीज़ें। सो ये जो 20-1 सस्पिशियस मर्डर हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, तो आप दें ना फिर इंडियन इंटेलिजेंस को दाद दें इस पे, ठीक है जी। वो उनको इंटेलिजेंस को दाद दें, वो जाते हैं, वो अपना काम करते हैं, और काम भी वो कराते हैं यूएई से, काम करा लेते होंगे मॉरिशियस से। आप उस नेटवर्क को पकड़ने के लिए आपके पास उतना अपरेटस ही नहीं है, आपके पास अपरेटस ही नहीं है, एंड देन आपको पता ही नहीं चला कि ये चीज़ें हो सकती हैं। एंड देन हम एक सिक्योरिटी स्टेट है, लेकिन सिक्योरिटी स्टेट का टेरर ही कोई नहीं है, पॉलिटिकल लोगों पे टेरर डालने की कोशिश करते हैं हम, जिधर टेरर डलना चाहिए उथे पैंदा कोई नहीं पिया, जिधर टेरर डलना चाहिए एक सिक्योरिटी स्टेट का उधर तो पड़े पड़ते कोई नहीं है। अब वो एक देखें, भारत जब इस चीज़ को कर रहा होगा वो क्या जस्टिफिकेशन दे रहे हैं जी, 2008 की जो मुंबई बॉम्बिंग्स हुई थी जिसमें 172 लोग मारे गए थे, हम उसको जो है ना वो उसको सेटल डाउन कर रहे हैं। सो वो उनको तो समझ आ गई है कि ठीक है, वो जमाल खशोगजी से इम्प्रेस थे कि जैसे मोहम्मद बिन सलमान के उनके ऊपर इल्ज़ाम आया कि भाई वो इन्वॉल्व हैं, ठीक है। सो वो जो कहते हैं जमाल खशोगजी से हम मुतासर हुए कि ये कहा है तो बड़ा काम ही बड़ा है, ये तो काम ही बहुत है। सो जितने भी लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के लोग थे, अभी कल ही तो जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत दोवल साहब, वो कजाकिस्तान में अस्ताना के ऊपर बात कर रहे थे लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के, लेकिन जो डीप स्टेट है वो लगी हुई है बंदे एलिमिनेट करने में, वो लगे हुए हैं बंदे एलिमिनेट करने में। सो ये चीज़ें जो हैं ये वो आप इतने बस तुसी बस कहानियां सुनाओ, एन जो हो गया ओ हो गया, कोई गलबात कोई नहीं है, ठीक है। जिस तरह उन्होंने स्नब किया ये उसको कैनेडियंस को, उससे बुरा हम तो बात ही नहीं ना कर सकते भाईजान, असी तो आख ही नहीं ना सकते कि साढ़े ना एन जो है, और हमारी किसने सुननी है, हमारी किसने सुननी है। इधर तो कनाडा और अमेरिका का रौला मचा हुआ है, लेकिन आप भी जो मैंने पहले एक हमने डिस्कशन की थी, आप इमेजिन करें द कॉन्फिडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो जो उनकी जो एस्टैब्लिशमेंट है उनका कॉन्फिडेंस चेक करें, उनकी जो डीप स्टेट है उनका कॉन्फिडेंस चेक करें आप, उनकी डीप स्टेट का तगड़ा कॉन्फिडेंस है भाई उनका, मानना पड़ेगा मुझे। मैं तो मतलब वो किस तरह अपने नेशनल इंटरेस्ट को भाई फॉलो करते हैं, उनको कोई परवाह नहीं किसी की, इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट इज दी सुप्रीम थिंग फॉर देम, इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं, इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट क्या है वो देखते हैं, उनको इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं, तुसी की टाँ टाँ पाँ पाँ लाइए की कर दे तो की नहीं कर दे, वो कहते हैं भारत के लिए हम सारा कुछ करते हैं, फॉर इंडिया, फॉर इंडिया करते हैं वो, और असी की करने हैं, असी ये लूडो खेड छाड़ने, हम तो किसी को कह भी कुछ नहीं सकते, साढ़ा एनजीओ हो गया बिस्ती बिस्ती ये कि तुसी की करन डे हो भरावो ते भैनों, तुसी की करन डे हो इस मसले में, एक क्वेश्चन तो आता है ना, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, आप किस आप क्या बात कर रहे हैं, आपके पास क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं सर, असी तो वेखन रहे हैं, असी तो सुते हैं, असी तो फलाने नू मारने हैं, तो फलाने नू मारने हैं, पर ये तो वो, ठीक है। सो ये जो बोल्ड मूव है उनकी,
इस बोल्ड मूव को नोबडी हैज एनीथिंग फॉर दिस, किसी के पास कुछ भी नहीं है, ये याद रखिएगा, किसी के पास कुछ भी नहीं है फॉर दिस, सब बस अपनी कहानियां रामलीला लगे ने वो कम पाई जा रहे हैं। देखते हैं अब क्या होता है इस सिलसिले में, अपने लोगों को बचा सकता है पाकिस्तान के, नहीं बचा सकता, लोगों के अंदर खौफ आ जाता है इस चीज़ से कि यार हमारा क्या है, सामने तो फैर आ जाना, दही तो गोली आ जानी, तो बम आ जाना, एंजा आ जाना, वो अपना नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये लोग हमारे लोगों को मारते रहे हैं, जो मोटिवेशन उनके पास है, ये कश्मीरी दहशतगर्द हैं, ये हमारे लोगों को मारते रहे हैं, अब ये नेक पवित्र बन के मस्जिद में जाके नमाजा तो कुरान पाक पढ़ रहे हैं, इन्होंने फड़ो, ताकि नोबडी एवर डेयर टू टारगेट अस एंड नोबडी एवर डेयर टू कम इन इंडिया एंड हिट अस इन कम इवन के कश्मीर, सारी बात है तो कश्मीर का है ना, इंडिया की वो तो नहीं, वो कह रहे हैं नोबडी एवर शुड डेयर टू डू दिस, किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वो ये कह रहे हैं। तो ये थे कि करण डेज इन्होंने को बस है गल्ला जैसे कि जड़िया जिन्हों का अब मैं क्या उस पर कहूँ और क्या ना कहूँ, ठीक है ना जी। ये मैक्सिमम जो पाकिस्तान ने वो किया है वो ये है कि डॉसियर भेज दिया, तो डॉसियर तो यकीन ही को नहीं करता, पाकिस्तान की स्टोरी पे यकीन क्यों नहीं लोग करते, उसकी वजह से पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम है, एक हिस्सा जो है वो जो एस्टैब्लिशमेंट और उनकी लाइक माइंडेड एक पॉलिटिकल पार्टी होती है या ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसके मुकाबले में अपोजिशन जमातें होती हैं, वो जो अपोजिशन जमातें हैं वो कहते हैं कि ये जो एस्टैब्लिशमेंट और जो पॉलिटिकल पार्टीज ये सब झूठ बोल रहे हैं, और वो सारा टाइम वो एंगेज रहते हैं। सो एस्टैब्लिशमेंट जो है उसकी जो स्टोरी है वो हुकूमत तो पैडल दे रही है लेकिन अपोजिशन नहीं मानती, सो दो तरह के पैरेलल पा, और जो मीडिया है मीडिया को परवाह ही नहीं है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, मीडिया अपने मस्त मस्त मलंग है। लेट्स सी क्या होता है इसमें, बट दिस इज समथिंग वेरी डिस्टर्बिंग अनॉइंग एम्बेरसिंग सिचुएशन फॉर ए सिक्योरिटी स्टेट लाइक पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी स्टेट है उसके लिए एक एम्बेरसिंग सिचुएशन है भाईजान, कि पाकिस्तान कैन नॉट प्रोटेक्ट इट्स पीपल, पाकिस्तान कैन नॉट प्रोटेक्ट, पाकिस्तान क्या कैपेसिटी नहीं है कि TTP भी मार रहा है, ISK भी मार रही है, बलोच सेपरेटिस्ट भी मार रहे हैं, इंडिया की डीप स्टेट भी मार रही है, तो आपस में जो मार रहे हैं वो तो मार ही रहे, उन्होंने तो साबता भी कोई नहीं, वो तो रोज़ लाशा डेग दिया। थैंक यू।